आप लोग स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे। इनका नाम है बिपिन रावत और आप सभी जानते हैं कि CDS प्रमुख थे। अभी हाल ही में क्या हुआ कि इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें 14 लोग सवार थे, जिसमें इनकी पत्नी भी सवार थी। और आपको बता दूं कि ये पत्नी के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे और तमिलनाडु के कोयम्बटूर और सुलूर के बीच ऊटी में बुधवार को CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और MI सीरीज V5 हेलीकॉप्टर में, जिसमें CDS बिपिन रावत और उनके कर्मचारी और उनकी पत्नी मधुलिका सवार थी। और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें से 13 लोग इतनी बुरी तरह से सुलझ गए उस आग में कि उनकी पहचान करना भी पॉसिबल नहीं है। और ऐसा माना जा रहा है कि इसमें जो भी लोग सुलझे हैं आग से, उनके डीएनए के द्वारा उनकी पहचान की जाएगी। हम लोग तो ऊपर वालों से दुआ करिए, जो भी भगवान ईसा जिसे भी आप मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, कि ये सही सलामत रहें। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी मैं अपनी तरफ से आप लोगों को दे देते हैं, क्योंकि आप देखिए आर्मी के कई पदों पर ये रहे हैं और एक तरह से आप देखिए कि भरोसेमंद थे और अच्छा काम किया हुआ था, इसलिए इन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए थे। इनमें कुछ खूबियां भी थी अच्छी, उन्हें भी हम लोग देखेंगे। और एक बात और आपको बता दूं कि कई अंतर्राष्ट्रीय ऑपरेशंस में भी इन्होंने भाग लिया हुआ था। तो इन्हें आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, बिपिन रावत। और जब आपने देखा है कि CDS बनाया गया, तो उसके पहले अध्यक्ष यही बनाए गए थे, एक तरह से प्रमुख, ठीक है। तो इनके पूरे नाम की बात करें तो बिपिन रावत इनका नाम है, और जन्म की बात करें तो 16 मार्च 1958 को इनका जन्म होता है, यानी कि आजादी के बाद ही, हम 1947 में हमें आजादी मिलती है, उसके बाद ही इनका जन्म होता है। जन्म स्थान की बात करें तो आप देखेंगे पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से अलग करके आपका उत्तराखंड नया राज्य बनाया गया था, ठीक है। यहाँ आप लोगों को उत्तराखंड देखने को मिलेगा। और इनके अगर हम लोग पिता की बात करें तो जनरल लक्ष्मण सिंह रावत इनके पिता थे, और आप सभी जानते हैं कि इनके पिता भी आर्मी से जुड़े रहे हैं। और ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जिसका परिवार जिस व्यवसाय से जुड़ा रहता है, जिसमें काम में बना रहता है, अधिकतर लोग उसी को चुनते हैं। इनकी पत्नी की बात करें तो मधुलिका रावत इनकी पत्नी, और बच्चे की बात करें तो दो बेटियां देखने को मिलेंगी आप लोगों को। अगर हम लोग इनकी शिक्षा की बात करें तो कैम्बियन हॉल स्कूल देहरादून से और सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला से ये अपनी शुरुआती शिक्षा लेते हैं। बाद में अमेरिका की सर्विस स्टाफ कॉलेज से ये पढ़ाई करते हैं, और विपिन रावत ने भारतीय सैन्य अकादमी से स्नातक उपाधि भी प्राप्त की हुई थी। और IIMA देहरादून में इन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय से रक्षा और प्रबंधन अध्ययन में MPhil की डिग्री भी ली हुई थी, और मद्रास विश्वविद्यालय से स्ट्रेटेजिक और डिफेंस स्टडीज में भी MPhil की हुई थी। और 2011 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सैन्य मीडिया अध्ययन में इन्होंने PhD की थी। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से पढ़े लिखे थे, कितनी एजुकेशन थी इनकी। अगर हम लोग शौक की बात करें तो फुटबॉल खेलना इनका पसंद, और लेखन यानी कि लेखन करना इनका शौक है। और अगर हम लोग इनके सफर की बात करें कि आर्मी में किस किस पद पर रहे हैं, क्या क्या इन्होंने काम किया हुआ है, तो बिपिन रावत अमेरिका से लौटते हैं और उसके बाद उन्होंने आर्मी में शामिल होने का मन बनाते हैं, और उन्हें अपने प्रयासों से सफलता 16 दिसंबर 1978 को मिलती है। सबसे पहले उन्हें गोरखा 11 राइफल्स की 5वीं बटालियन में शामिल किया जाता है, और यहीं से उनका सैन्य सफर शुरू होता है। और आपको बता दूं कि 1979 में पहली पोस्टिंग उनकी मिजोरम में हुई थी। कहाँ? मिजोरम में। आप लोग मिजोरम को देख लीजिए एक बार, देखिए आपको मिजोरम देखने को मिलेगा। और मिजोरम की राजधानी की बात करें तो आइजोल देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आपकी म्यांमार से भी लगती है और बांग्लादेश से भी लगती है। और उसके बाद आप देखेंगे
यहाँ बिपिन रावत जी सेना के अनेक नियमों को सीखने का मौका भी मिलता है, उन्हें कैसे एक टीम वर्क करना चाहिए, और इसीलिए आप देखते हैं कि उनके चहेते रहते थे, सभी लोगों से वो मिलते रहते थे। और बिपिन रावत ने बताया कि एक इंटरव्यू में कि उनकी जिंदगी में उन्होंने गोरखा में रहते हुए जो सीखा वो कहीं और सीखने की को नहीं मिला। यहाँ उन्होंने आर्मी की नीतियों को समझा और नीतियों के निर्माण में काम भी किया। गोरखा में रहते हुए उन्होंने आर्मी के अनेक, जैसे आप देखती है क्रॉप्स, GOC, साउथर्न कमांड, IMA देहरादून, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट, लॉजिस्टिक्स स्टाफ ऑफिसर के पद पर काम किया, यानी कि अनेक पदों पर वो रहे एक तरह से। फिर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप इन्होंने सेवाएं दी हुई थी, सैन्य सेवाएं दी हुई थी, यानी कि भारत के लेवल पर, इंडिया लेवल पर आप लोग जब काम करते हैं तो ये एक तरह से आपका राष्ट्रीय लेवल हो जाता है। जब आप देखिए किसी और देश में काम करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर कहलाने लगता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवाओं की बात करें तो बेहतर नेतृत्व कुशलता और उच्च स्तरीय युद्ध नीति बनाने में सक्षम होने के कारण कांगो के UN मिशन के तहत उन्हें पहली बार अपनी अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सेवाएं देने का मौका मिला, और जहां उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के ब्रिगेड में काम करते हुए 7,000 लोगों की जान को बचाया था और शांति स्थापित की थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने एक तरह से पावरफुल व्यक्ति रहे हैं और समझदार व्यक्ति रहे हैं, 7,000 लोगों को जिंदगी देना। इसके बाद आप देखेंगे मणिपुर में हुई एक आतंकी हमले में 18 सैनिक शहीद हुए थे, और इसके जवाब में सेना के कमांडरों ने म्यांमार की सीमा में दाखिल होकर हमला किया था, और इस हमले में NSCN के कई आतंकी मार गिराए थे। और यह अभियान चलाया गया था 21 पैरा ने, जो थर्ड कॉप्स के तहत काम करता था, और उस समय थर्ड कॉप्स के कमांडर हमारे बिपिन रावत ही थे। तो यहाँ भी आप देखिए उन्होंने काबिलियत का अपना परिचय दिया है। आर्मी में काम करते हुए उन्होंने कई बटालियन के लिए काम भी किया, जहाँ उन्होंने अलग अलग जगहों की सुरक्षा नीति और युद्ध नीति का अनुभव मिला था। जैसे इन्फेंट्री बटालियन में काम करते हुए उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का अनुभव भी मिला था। ये जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, अब तो आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, एक लद्दाख आपका, एक जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे कश्मीर घाटी में ऑपरेशंस को अंजाम देने वाली 19 इन्फेंट्री डिवीजन के साथ काम करते हुए कश्मीर की सुरक्षा ढांचा को समझने का भी इन्हें मौका मिला। इसके अलावा उन्होंने आर्मी के थर्ड क्रॉप्स GOC बात कर चुका हूं वैसे भी, जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के लिए काम किया था, और इसीलिए आप देखिए CDS का प्रमुख पहला भारतीय और पहली बार गठित हुआ था और बनाया गया, कुछ तो काबिलियत रही होगी। सेना प्रमुख के पद पर आने से पहले जनरल बिपिन रावत ने दक्षिणी कमान के कमांडर और सह सेनाध्यक्ष का काम भी किया हुआ था, इस पद पर भी वो कुछ समय के लिए रहे थे। 31 दिसंबर 2016 को बिपिन रावत को भारतीय सेना का प्रमुख बनाया गया था, और उन्होंने दलवीर सिंह सुहाग की जगह ली थी, और इस तरह से बिपिन रावत भारतीय सेना के 27वें प्रमुख बने थे, भारतीय सेना के 27वें प्रमुख बने थे। सेना प्रमुख रहते हुए बिपिन रावत ने भारतीय सेना को आधुनिक बना बेहतर बनाने के लिए कई काम किए, और बिपिन रावत 31 दिसंबर 2019 तक इस पद पर रहते हैं, और भारतीय सेना के प्रमुख पद से इस्तीफा देने के बाद वो बिपिन रावत CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? CDS बनाए जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि CDS क्या होता है, तो आपको बता दूं ये पहले भारतीय CDS अधिकारी बनाए गए थे, और CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अधिकारी होता है जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों के बीच तालमेल का काम करता है, और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री का मुख्य सलाहकार भी होता है। तो बिपिन रावत इस पद पर पहले व्यक्ति बने, पहली बार ये गठित हुआ उसी पर इन्हें बनाया गया, और उसके बाद अगर आप देखेंगे इन्हें पुरस्कार, जब आप देखते हैं कि आप अच्छा काम करते हैं तो स्वाभाविक सी बात होती है कि आप पुरस्कारों से भी नवाजे जाते हैं। तो परम विशिष्ट सेवा पदक भी इन्हें मिला हुआ था, उत्तम युद्ध सेवा पदक भी मिला था, अति विशिष्ट सेवा पदक भी मिला था, युद्ध सेवा पदक भी इन्हें दिया गया था, सेना पदक भी और विशिष्ट सेवा पदक भी इन्हें दिया गया था। तो विभिन्न तरह के इस तरह के इन्हें पुरस्कार और सम्मान भी दिए गए थे। इन्होंने कुछ बातें भी कही हुई थी जिसे आप देखिए सुविचार कहते हैं, उनके वक्तव्य कहते हैं। तो पद कोई भी हो उसे सही तरीके से निभाने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी होती है, यानी कि पूरी आप देखिए आपकी आप कहीं काम करते हैं उसमें कितने लोग हैं और किस तरह से आप उनका मैनेजमेंट कर पाते हैं,
उनके उनका फैसला लेते हैं आप लोग, उनके बारे में सोचते हैं, तभी आप देखिए बेहतर आप लोग काम को अंजाम दे पाएंगे। और इस काम में आप देखेंगे वो काफी पावरफुल रहे हैं। उन देशभक्तों की बराबरी हम नहीं कर सकते हैं जो सियाचिन की ठंड में देश की सेवा करते हैं। इनके कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, आज अगर हम लोग देश में रात में सो पाते हैं, चैन की सांस ले पाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो आर्मी का। आप देखिए कितना भी टेम्परेचर गिर जाए, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, वो हमारे लिए डटे रहते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिसे सेना पर भरोसा नहीं है उसे मुझे लगता है कि देश छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सेना ही आज हम लोग अगर घर में बैठे हुए हैं, हमारे बच्चे अगर घर में बैठे हुए हैं, तो सेना की ही एक तरह से जिम्मेदारी रही है और वो अपनी बाखूबी जिम्मेदारी निभाते भी हैं। और समय समय पर आप देखते हैं हमारे देश का दुर्भाग्य कहिए कि उन पर राजनीति होती रहती है, बड़ा दुख होता है ये जान के। देश की सुरक्षा के लिए हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमारा हर एक सैनिक इसमें भागीदार होता है। और इतना ही नहीं, देश का हर एक नागरिक देश के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर करता है। आप देखिए देश भर में बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन शहीद होने के बाद आपने देखा होगा कि इन्हें कोई नहीं पूछता है, इन्हें जो मुआवजा देने की बात होती है उनके परिवार भटकते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि देश में ये भी होना चाहिए कि उनके बारे में तो ध्यान रखा जाना चाहिए जो हमारी रक्षा करते हुए शहीद हुए, उनके परिवार का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। इनमें अगर खूबियों की बात करें तो काम की समझ बहुत बड़ी इनकी एक तरह से खूबी थी, अच्छाई थी। मेजर माथुर कहते हैं कि रावत साहब की सबसे बड़ी खूबी थी कि उनको अपने काम की बहुत अच्छे से समझ थी और उनके काम करने का तरीका और नॉलेज हर अफसर का था, और उनकी नॉलेज पर किसी को कोई शक नहीं होता है। निर्णय क्षमता की बात करें तो सही समय पर सही निर्णय लेना कोई बिपिन जनरल रावत से सीखे, और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा काम होता है कि कहाँ किस तरह का निर्णय लेना अधिकतर लोग नहीं ले पाते हैं। और आप जानते हैं उनकी स्थिति क्या रहती है, उनमें तेजी से निर्णय लेने की गजब की क्षमता थी और उनके निर्णय पर फिर कोई सवाल उठाने की गुंजाइश भी नहीं बचती थी। फुलगांव महाराष्ट्र हादसे में लिया गया निर्णय काफी चर्चित भी रहा था उस समय। और आप देखिए कम्युनिकेशन बॉस जनरल बिपिन रावत ने अपने साथी अफसरों के बीच कभी कम्युनिकेशन गैप नहीं रखा, यानी कि उनके बीच एक तरह से संबंध काफी मधुर रहे, वो समझते थे लोगों को। वे भारतीय सेना जवानों से लगातार संपर्क में रहते हैं और समझते थे। बातें पूर्व आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत की अच्छी खूबियों में यह बड़ी बात शामिल थी कि वे अपने अंडर काम करने वालों की बात सुनते थे और अच्छे से समझते थे और इसी के अनुसार समाधान भी करते थे। अप्रोच की बात करें तो अक्सर होता था कि लोग बॉस के सामने अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचने से हिचकिचाते थे, मगर बिपिन रावत के साथ यह नहीं थी। हर किसी के लिए उनका अप्रोच आसान था और उनको अप्रोच करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। तो ये है बिपिन रावत साहब की कहानी। और फिर से उबर वाले से दुआ करिए वो जिस भी हालत में हो सुरक्षित हों और जल्दी हमारे बीच आए। लेकिन आप सभी सोच रहे होंगे देखिए 14 लोग उसमें संभाल थे, 13 लोग बुरी तरह से सुलझ चुके हैं और जो शहीद हो चुके हैं उनके लिए दुआ करिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और आप देखिए उनका परिवार को इस दुख की घड़ी में ही कह लीजिए आप लोग सहन शक्ति दे ऊपर वाला कि वो इस दुख को सह सके।